हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा, कल हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया था? प्लांक क्वांटम थ्योरी डिस्कस कर ली थी बच्चों, ठीक है ना? बोलो बच्चों। हमने कल प्लांक क्वांटम थ्योरी डिस्कस, हेलो बच्चों। हाँ जी भैया, तो आज अपन थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, सुनो। अब जो मैंने कल प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी, इसी का एक एप्लीकेशन समझो आप, है ना? इसी का एक एप्लीकेशन समझते हैं, है ना? ये प्लांक क्वांटम थ्योरी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जो बच्चे नए उनके लिए मैं बैकअप लगाऊंगा, है ना? जल्दी मैं बैकअप क्लास लगा के आपको करवा दूंगा। उससे पहले मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए जितना आप देख सकते हो, नहीं तो मैं बैकअप लगा के आपको मैं करवा दूंगा बच्चों, ठीक है ना? इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगले वीक में मैं करवा दूंगा आपको। अब देखो बच्चों, सुनो, एक कॉन्सेप्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये अपन समझते हैं बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए बेटा हमें क्या करना है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए देखिए बच्चों, सुनो, होता है क्या, ध्यान देना बच्चों। देखो, सपोज मान लीजिए मेरे पास ये कोई मेटल की एक सरफेस है, ठीक है? ये मेटल सरफेस है बच्चों। अब इस मेटल सरफेस में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बच्चों। इसके ऊपर मान लीजिए एक लाइट, आपकी फोटोन आके इस पर स्ट्राइक किया, ठीक है? और अगर ये फोटोन निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये इलेक्ट्रॉन था, इस पे एक एनर्जी का फोटोन आके हिट किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया ना बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? अब अगर ये सर्किट में अगर इसका फ्लो होने लग जाए तो वहां पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना? देखो बच्चों कैसे, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, देखिए समझना आप इसको। देखो ये, देखो बच्चों, ये मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस में देखो आपको क्या दिख रहे हैं, देखो इस पे ये लाइट आ रही है, फोटोन बीम अबव ये दिख रहा है, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना? अब देखो बच्चों इसको देखना, जैसे एक लाइट आके हिट किया और ये देखो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, दिख रहा है आपको? वापिस देखो, ये हिट किया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों बाहर, ये देखिए बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आगे देखो, देखो हिट किया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, देखो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसी को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि ये लाइट से बाहर आ रहा है ना? बेटा किसी भी अटे करवा दे, खीवर सचदेव, बाहर वाले पे करवा दे, अंदर वाले पे करवा दे, किसी पे एक पे तो करवाएगा ना? हाँ, गामा रेज है ये। अब देखो बच्चों, देखो ये, देखो बच्चों ध्यान देना, यहां पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर की है वो लाइट निकल रही है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और इलेक्ट्रॉन देखो प्लस की तरफ जा रहे हैं क्या? ध्यान दो बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से देखो,
आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक जो प्लेट है उस प्लेट में क्या हुआ, उस पर देखो रेड कलर की लाइट आके स्ट्राइक करी, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है ना। ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो आप देखो बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, देखो बल्ब जल गया ना। ये देखो बच्चों, ये बल्ब जल गया ना। अरे बल्ब के अंदर लाइट आ गई ना, देखो। कुछ समझ पा रहे हो क्या आप लोग? देखो एक सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस लाइट ने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपन करंट बोलते हैं, और बल्ब आपका जलने लग गया। और देखो बच्चों, यहां देखो, ये देखो, ये लाइट इसके ऊपर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहे हैं। और देखो करंट आ रही है, करंट की यूनिट आ रही है, देखो करंट की रीडिंग आ रही है नीचे, देखो आप दिख रहा होगा आपको। बच्चों समझ पा रहे हो आप? यहां देखो, ये अच्छा समझ में आएगा। देखो ये लाइट आपके कैथोड पे आके टकराई, कैथोड मतलब मेटल पे टकराई, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गया और करंट का फ्लो होने लग गया। कुछ समझ में आया बच्चों? कुछ समझ में आया बच्चों? ये देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये बाहर चला गया, दिख रहा है बच्चों? यहां से एक एनोड इलेक्ट्रॉन निकला और बाहर चला गया क्या? ये देखो, ये मेटल की सरफेस पर लाइट गिरी, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। मेटल की सरफेस पर लाइट गिरी है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गई। बच्चों को समझ में आया इन कुछ पिक्चर से? कुछ समझ में आया आप लोगों को कि मेटल की सरफेस पर अगर एक डेफिनेट एनर्जी की रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? बोलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि ये लाइट से बाहर आ रहे हैं, ये फोटो से बाहर आ रहे हैं, लाइट रे से बाहर आ रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बच्चा हो इलेक्ट्रिक, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में इनका फ्लो होने लग जाए तो करंट का फ्लो होने लग जाएगा, और इसी करंट को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दे रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी इफेक्ट को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों समझ में आया? समझ में आया तनीसा चौधरी? समझ में आया तेरे को तनीसा चौधरी? जिज्ञासा, युति खत्री, समझ में आया? देखो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं, आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। ये देखो, ये बहुत अच्छा है। यहां देखो, अरे स्लो कहा हो जाए, इलेक्ट्रॉन वापिस उसी को मिल निकल के वापिस उसके पास ही पहुंच रहे हैं। हो गया बच्चों डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे बच्चों समझ में आया क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, देखिए, When specific light strikes on metal surface, then there is
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ आया? व्हेन स्पेसिफिक लाइट स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस देन देयर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. These ejected electrons are known as photoelectrons. ठीक है ना, इनको अपन क्या नाम देते हैं, photoelectrons नाम देते हैं, है ना. Current which is produced by the flow of photoelectrons is known as photoelectric current. ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखे है इसमें कोई डाउट है? मैंने आपको कुछ पिक से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा. अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन इसको ऐसे समझते हैं बेटा. मान लो ये मेरे पास एक इस तरह की एक ट्यूब है बच्चों, ठीक है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है बच्चों. नेगेटिव वाले प्लेट को क्या बोलते हो बच्चों, बता सकते हो आप? कैथोड बोलते हैं. एंड पॉजिटिव वाली को क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं. अब एक चीज बताइए बच्चों, ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसके ऊपर बच्चों इस तरह से फोटोन आकर स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चों, ठीक है. ये फोटोन आई, इन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, समझ पा रहे हो मेरी बात? फोटोन ने क्या किया, इनके ऊपर स्ट्राइक किया बच्चों, ठीक है ना. तो जैसे ही फोटोन ने इनके ऊपर स्ट्राइक किया बच्चों, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले बाहर बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए. इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा बच्चों? बोलो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा. ये देखो, ये बच्चों इधर जाएगा, ये मूव करके इधर गया, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन इधर आए बच्चों. अब बताओ, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रॉन के फ्लो और करंट के फ्लो का पता है क्या आपको? 9-10 में पढ़ा होगा बच्चों. करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो यहां पे बच्चों करंट का फ्लो होने लग जाएगा, करंट का फ्लो होने लग जाएगा. और ये करंट, बोलो बच्चों, ये करंट जब आपकी फ्लो होने लग गई तो इसी को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? पहले ईमानदारी से बताओ, क्या आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आई? आप ईमानदारी से बताइए बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आई सबको? सबको समझ में आ गया पक्का? ठीक है भैया, चलिए अब देखिए बच्चों, सुनी, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं. अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं बच्चों, कुछ टर्म्स की बात करते हैं. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, सबसे पहला अपन लेते हैं बच्चों, एक टर्म होता है वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन क्या होता है इसको समझाता हूं. एक बार बताओ बच्चों, जैसे एक चीज बताइए बच्चों, हर स्टैंडर्ड को पास करने के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स डिसाइड होते हैं क्या? हर स्टैंडर्ड को पास करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर फिक्स होते हैं क्या? बताओ बच्चों, कितने नंबर डिसाइडेड होते हैं बच्चों, बताइए आप? 33% होते हैं बच्चों,
33%, समझ में आ गया बच्चों? तो 33% से बच्चा जस्ट पास हुआ, है ना, समझ में आ गया? तो वर्क फंक्शन भी कुछ वैसा ही है कि वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस में से निकाल, मेटल में से निकाल के सरफेस के ऊपर ले आए, समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकालकर सरफेस के ऊपर ले आए, बच्चों समझ में आ गया? आगे बात सुने, अब मुझे बताओ, अगर मैं मतलब इसको सिंपल से ऐसा बोलूं कि ये वो मिनिमम एनर्जी है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल के सरफेस के ऊपर लेके आ रही है, ठीक है ना? यानी आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, वर्क फंक्शन जस्ट लाइक पासिंग मार्क्स है एंड नथिंग, वर्क फंक्शन जस्ट लाइक पासिंग मार्क्स है और कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया मामला ये, ठीक है ना? और कुछ भी नहीं है ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी बच्चे के मान लो 32% मार्क्स आ जाए तो क्या वहां पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा ना बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा ना, समझ में आ गया मामला, ठीक है बच्चों? तो मतलब वर्क फंक्शन हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। तो अपन देखो बच्चों क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? इफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, है ना? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं करेगा, समझ में आया मामला बच्चों? तो आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, पासिंग मार्क्स से कम आए तो नहीं होगा ना बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या नवाबों? अब देखो बच्चों सुनो, हम लोगों ने फाई एक तरह से बच्चों एनर्जी है, वर्क फंक्शन भी एक तरह से एनर्जी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना? तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो बच्चों, एच न्यू नोट या एच सी अपॉन लेमडा नोट, मैं ऐसा लिख रहा हूं बच्चों इसको। फाई को क्या लिखा मैंने, एच न्यू नोट, इसको एक अलग सिंबल दे दिया, या एच सी अपॉन लेमडा नोट, या आप ऐसा लिख सकते हो। देखो ये मैंने कल आप लोगों को प्रूव किया था, ये फॉर्मूला कैसा है आप लोगों के सामने बोलो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के सामने प्रूव किया था, क्या किया था ना बच्चों? आगे बात समझ में? तो अब मुझे बताओ बच्चों, देखिए फाई जो है मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? फाई जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फॉर्मूले सारे बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब बताओ जब फाई मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी क्या? फाई मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। तो बच्चों बताओ लेमडा नोट क्या होगा? फाई मिनिमम तो लेमडा नोट क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि इनवर्स में अगर एक चीज मिनिमम है तो दूसरी चीज अपना आप ही क्या होगी? मैक्सिमम होगी ना। इनवर्स के रिलेशन में अगर एक चीज मिनिमम है तो दूसरी चीज अपना आप ही क्या होगी? मैक्सिमम होगी बच्चों, बोलो बेटा। अरे समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक टर्म और समझ लीजिए, क्या एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है बच्चों बता सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों अब मुझे बताओ बच्चों, फाई जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? फाई जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या?
है ना। तो अब देखो फाई अगर मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है बच्चों बता सकते हो? आप बताओ बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है, अरे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं ना, बोलो बच्चों समझ में आ गया? तो अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मैटर। बच्चों ये समझ में आया क्या? बच्चों ये समझ में आया जो मैंने अभी तक बोला? देखो बच्चों वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वर्क फंक्शन मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगा, होगा बच्चों। लेकिन एक बात बताओ कि वेवलेंथ इनवर्स है, वेवलेंथ अगर इनवर्स है तो फिर वो कैसे चलेगा बच्चों बताओ? वो तो कैसे चलेगा, वो तो मैक्सिमम होगा ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं? मेरी बात आप लोगों के दिमाग में हिट कर रही है क्या? मेरी बात आप लोगों के दिमाग में हिट कर रही है क्या? कर रही है? सही बताओ, एकदम अच्छे से? ठीक है, अगर अच्छे से हिट कर गई तो फिर एक चीज बताओ मुझे। देखो मैं आपको एक आईआईटी जेई का क्वेश्चन बताता हूं, आईआईटी जेई का एक क्वेश्चन बताओ आप। फिर देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन आया भाई, जेई एडवांस 2011 में आया था पेपर फर्स्ट में। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो, है ना। इसने वर्क फंक्शन दे रखा बच्चों, दिख रहा आप लोगों को, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल, है ना। तो बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये सोल्व कैसे करेंगे ये आपको बताना बच्चों, आंसर देख के मत करो बेटा, आंसर देख के सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है जीके एडवांस में, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है बच्चों जीके एडवांस में आया हुआ। तो बेटा एक काम करो, आप पहले फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो। अरे नबाबों इस क्वेश्चन को नोट तो कर लो, या चलो मैं वहां लिखता हूं, वहां से नोट कर लेना आप, मैं लिखता हूं इसको, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनो बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, ये मान लीजिए इधर तो मैंने लिख दिया मेटल्स, मेरे पास कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, सिल्वर है, Fe है, प्लेटिनम है एंड टंगस्टन है। ठीक है, इनका फाइ दे रखा है, फाइ क्या क्या दे रखा है, 4.5 ये दे रखा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इफ लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है ना इज यूज्ड देन हाउ मेनी metals will represent photoelectric effect, ये बच्चों आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। तो अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, अपन कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, समझो। देखिए एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो फोटोन स्ट्राइक करा उसकी एनर्जी निकाल दें। तो एनर्जी निकालने में ये कंसेप्ट काम आता है क्या बच्चों, बताओ ये कंसेप्ट काम आता है, ये फंडा मैंने आप लोगों को पढ़ाया बच्चों, अरे ये फंडा पढ़ाया है ना, ये कैसे आया था, अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास है, ठीक है, लेमडा मेरे पास बच्चों बताओ क्या है, मुझे दे रहा है 300 नैनोमीटर है ना, ये नैनोमीटर में दे रहा है और मुझे चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये 300 नैनोमीटर का मतलब समझते हैं आप, 10^-9 मीटर यही होता है क्या, तो एंगस्ट्रॉम में 3000 हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऊपर और नीचे 10^-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा क्या, ऊपर और नीचे अगर मैं 10^-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन सकता है क्या, अब बताओ इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 10^-, इसको 10^-10 हो गया क्या, अरे 10^-10 हो गया क्या बच्चों, तो ये देखो बेटा सोल्व करने पर क्या मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया, 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया, 3000 देखो नीचे 10^-1 है, ये देखो 10^-1 है, तो यहां से देखो बच्चों ये आ गया, इसको सोल्व करने पर आया मेरे पास 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों इतनी एनर्जी का फोटोन हमने डाला, यानी इतने हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इतनी एनर्जी का फोटोन आप डाल रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो अब मुझे एक बात दो बच्चों, लिथियम के लिए तो कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 2.4 ही चाहिए ना, लिथियम के लिए तो 2.4 ही चाहिए और हम डाल रहे हैं 4.1 का, लिथियम कर देगा क्या, बोलो बच्चों। नहीं, मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर आपकी एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो बोलो बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, होगा ना, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बोलो बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। तो अब मुझे बताओ बच्चों
2.4 क्या है वर्क फंक्शन से ज्यादा ही है, 2.3 इससे भी ज्यादा है, हाँ भैया लिथियम कर देगा, सोडियम कर देगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा एंड मैग्नीशियम हो जाएगा। तो कितने मेटल कर सकते हैं बच्चों? चार मेटल कर सकते हैं। अब बताओ बच्चों, मैग्नीशियम कर सकता, सॉरी कैल्शियम कर सकता है क्या? कैल्शियम के लिए एनर्जी चाहिए आपको 4.8, और हम एनर्जी कितनी दे रहे हैं? कैल्शियम को एनर्जी चाहिए 4.8 और हम कितनी दे रहे हैं? 4.1। नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना बच्चों, कैल्शियम नहीं कर पाएगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा, एफई नहीं कर पाएगा, प्लेटिनम नहीं कर पाएगा एंड टंगस्टन नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना बच्चों, नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ बच्चों, तो ओनली फोर मेटल्स कैन इजेक्ट या कैन शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो ये समझ में आया? सिर्फ ये चार मेटल कर पाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या नवाबो? ठीक है भैया, अगर समझ में आया तो फिर चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो अब बच्चों ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं बच्चों, देखिए बच्चों फाइव की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या कह रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग wavelength can cause photoelectric effect, ये बताना बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम है ना, 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपकी क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि 5 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो फोटो दिखा सकती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनकी एनर्जी फाइंड आउट कर लें अपन। बोलो बच्चों इनकी एनर्जी फाइंड आउट कर लें बच्चों। तो एनर्जी फाइंड आउट कैसे करोगे? देखो बच्चों इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसा करेंगे, कितनी आ जाएगी बच्चों बताओ? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, आ गई। अच्छा इसकी एनर्जी देखो बच्चों कितनी आ जाएगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, आ जाएगी बच्चों। फिर बताओ अगर मैं इसमें करूं, ये किया मैंने बच्चों, इसको सोल्व कीजिए आप, सोल्व कर सकते हो बच्चों, इसकी आ जाएगी लगभग 4.13, ठीक है। और इसको सोल्व कीजिए आप, इसकी आई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ बच्चों अगर एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, अगर एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन क्या हो, मोर देन वर्क फंक्शन हो, तो किस किस में मोर देन वर्क फंक्शन आ रही है बच्चों बताओ? किस किस मारिए मोर देन वर्क फंक्शन? ए बी सी मारिए, ये कर सकते हैं बच्चों। ए भगवान, ये कई बच्चे तो पता नहीं क्या करते हैं, ऑप्शन डी बोल रहे हैं। अरे तुम्हें कम और ज्यादा का पता नहीं लगता क्या? अरे आपको एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी में तो अपन 3.1 ही दे रहे हैं ना, पासिंग मार्क्स है 33% और आप मार्क्स दे रहे हो 30% पास होएगा क्या बच्चा?
कार्तिकेय बेनीवाल समझ में आया? कार्तिकेय बेनीवाल समझ में आया? बच्चों पहले यहां तक आपको समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे तो। अरे यहां तक आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? तो आप में कई बच्चे तो अभी भी आंसर 4 दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, बताओ। हो गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बोल जाओ पहले, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। देखो थोड़ा ध्यान से दिया करो आंसर, कई बच्चे तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, पहले ही ठोकने शुरू कर देते हैं। आंसर 4, आंसर 4, और 10 बार करेंगे उसको। नहीं भी क्या जल्दी है आप लोगों की, ढंग से सोल्व किया करो ना पहले। हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, अब बात को अपन अगर आगे बढ़ाएं, आगे देखो बच्चों सुनो क्या। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान देना बच्चों, सपोज एक बात बताओ, देखो ये मेटल की सरफेस है बच्चों, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए मैं कहता हूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एक ऐसे समझो बच्चों, मान लीजिए आपको मार्केट से एक ब्रेड का पैकेट लेके आना है, ठीक है ना, एक ब्रेड का पैकेट लेके आना है, वो 30 रुपीज का है, ठीक है। ब्रेड का पैकेट 30 रुपीज का, आपको घर से मान लीजिए 30 रुपीज ही दिए गए, तो आप सिर्फ ब्रेड का पैकेट ही ला सकते हो ना, और तो कुछ नहीं ला सकते ना। बोलो बच्चों, आप अपने लिए कोई भी चिप्स कुरकुरे टॉफी कुछ भी नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते, समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको मैंने 50 रुपीज दिए, 50 रुपीज में क्या होगा कि 30 रुपीज तो आपके काम आ गए, उसके लिए आ गए। अब रिमेनिंग जो 20 रुपीज है, रिमेनिंग जो 20 रुपीज है, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज ला सकते हो, ला सकते हो ना, आप अपने लिए टॉफी चॉकलेट कुछ भी ला सकते हो। तो आप जब टॉफी चॉकलेट लेकर आए, मतलब आपको अच्छा लगा, आप में एनर्जी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझे बात बताओ बच्चों, अगर मैंने इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन डाला, तो बच्चों बताओ 5 में से कितना, कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ जाएगी, कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ जाएगी। 3, बची हुई 2 कहाँ जाएगी, बची हुई 2 जो है वो क्या करेगी, वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बची हुई 2 उसको काइनेटिक एनर्जी देगी, है ना। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल के आया और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके जेब में 50 रुपीज थे, 30 रुपीज ब्रेड में लगे, 20 रुपीज से आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोई चीज लेके आ गई, तो आपको अच्छा लगा होगा ना। अरे आपको अच्छा लगा होगा ना, बोलो। अरे नवाबों, आपको अच्छा लगा होगा ना जब आप कुछ अपने लिए लेके आए, सिर्फ ब्रेड लेकर आए तो अच्छा लगेगा नहीं आपको, क्योंकि हमारा तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। बच्चों समझ में आया? तो इसमें मैंने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया बच्चों बताओ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें मैंने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया है, कुछ समझ पा रहे हो आप? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, वर्क फंक्शन 3 एंड काइनेटिक एनर्जी 2, तो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो भी 5 आ रहा है क्या? क्या मैंने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है क्या? क्या मैंने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है ना? तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, देखिए भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, कैसा बोल सकते हैं? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या बोल सकते हैं? वर्क
पर फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो बच्चों, मान लो ये ई है, ये वर्क फंक्शन मान लीजिए फाई है, एंड ये काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों समझ में आए, ये इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? हाँ भैया, अब देखो एक चीज बताओ, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो ये आएगा क्या बच्चों? ई माइनस फाइव आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो यहां से बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी हमने ऐसी निकाली है क्या? काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों, अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, उसमें से 3 वर्क फंक्शन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, अपन एक काम करते हैं, लेट लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो मैंने मान ली न्यू है ना, एंड एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने मान ली न्यू नॉट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली न्यू, एंड इंसिडेंट थ्रेशोल्ड मान ली मैंने न्यू नॉट। इसी तरह से देखो बच्चों, मैंने इसको मान लिया लैम्डा, इसको मैंने मान लिया लैम्डा नॉट। तो बच्चों मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान देना, इंसिडेंट फोटोन की मैंने फ्रीक्वेंसी मानी न्यू, तो ई क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों? एच न्यू, और ये हो गया एच न्यू नॉट। लिख सकते हैं क्या? अरे ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ क्या? यहां से देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई मेरे पास? न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आगे ऐसा बोलूं है ना, न्यू की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहां से देखो बच्चों, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों बताओ? सी एच वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नोट। बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? हाफ एम वी स्क्वायर सी एच वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नोट। हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मुझे मान लीजिए क्या करना है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं ऐसा करूंगा बच्चों, टू सी एच अपॉन एम वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नोट, ये करेंगे बच्चों, और ये ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों बताओ? ये फाइनल जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी क्या वो ऐसा आएगा? टू उस तरफ गया और एम नीचे आया, सोल्व करने पे ही आएगा क्या बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच में ग्राफ बनाना है? फ्रीक्वेंसी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है। बना सकते हैं बच्चों आप? काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के बीच में ग्राफ बनाना है, बना सकते हैं। ये रहा इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो ये कौन सी एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, और
एक्स के साथ जो होता है उसको बोलते हैं एम स्लोप। और ये क्या बच्चों, ये याद है क्या, ये हमने क्या बोला था, ये क्या है माइनस सी। अब एक चीज बताओ बच्चों, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेप्ट कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट कहां से स्टार्ट होता है, बिलो जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। अच्छा स्लोप जब पॉजिटिव होती है तो ग्राफ कहां जाता है, स्लोप जब पॉजिटिव होती है तो ग्राफ कहां जाता है, अपवर्ड, याद है ग्राफ बनाने सिखाए थे मैंने आप लोगों को। तो देखो बच्चों ये इस तरह से क्या ऐसा ग्राफ आएगा, क्या ऐसा ग्राफ आएगा क्या बच्चों, बेटा समझ में आया बच्चों, समझ में आई बात, अरे नवाबों समझ में आएगी क्या बात है? ठीक है अब बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है ना, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एंड वर्क फंक्शन अगर दोनों इक्वल हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन में, क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता ना। अब बताओ बच्चों, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक करंट का फ्लो होगा, नहीं हो सकता ना, समझ में आ गया मामला, वेरी गुड कीर्ति प्रोहित, आप समझ रहे हो। मान लो एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वर्क फंक्शन, और आपने फोटोन भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला तो बस वो तो कंज्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, और बिना इलेक्ट्रॉन मूव किए क्या करंट का फ्लो, बिना इलेक्ट्रॉन मूव किए क्या करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा ना बच्चों, समझ में आ गया मामला, समझ में आ गया मामला। ठीक है भैया चलिए अब देखो बच्चों, चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों सुनिए, मैं ये कहता हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको न्यू नोट इसने दे रखी है 7 × 10^14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है क्या कहता है, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन वी यूज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^15 सेकेंड इनवर्स। बताओ बच्चों करो इसको सोल्व, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है न्यू नोट, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन वी यूज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^15। बताओ बच्चों, वेरी गुड राहुल फलोदिया, देखो बेटा सुनो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी अभी आप लोगों ने लिखी थी याद करो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये आ जाएगा क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10^15 और ये क्या है -7 × 10^14 है ना, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं बच्चों 6.62 × 10^-34, 10^14 तो कॉमन आ गया तो ये 10 - 7 ये बचा, ठीक है 6.62 × 3 ये आ गया 10^-20 बच्चों, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा क्या बच्चों, समझ में आया क्या आप लोगों को, अरे नबाबो समझ में आया क्या, ठीक है
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेटल इज एक्सपोज्ड विद वेवलेंथ ऑफ 1240 एंगस्ट्रॉम, है ना? देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों। वेरी गुड अनुपम शाह, राहुल फ्लोदिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बच्चों ये समझ रहा है, ये द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों, जानते हैं क्या आप? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये थ्रेशोल्ड है बच्चों, बस और क्या है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सुनो क्या करोगे अपन, क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 1240 एंगस्ट्रॉम, ये कैंसिल आउट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। अब देखो बच्चों सुनो क्या करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी याद करो बच्चों, आपकी E माइनस फाइव, तो E तो है 10 और आपका ये कितना है 4, कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्या बच्चों? अरे बेटा समझ में आया आप लोगों को? ठीक है चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना? ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये क्या होता है, ये अपने को समझना है बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये अपने को समझना है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बोलो बच्चों? देखो बच्चों ऐसे समझो, आपके सामने क्या कह रहे हो, ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि एक मान लीजिए आपके सामने कोई बाइक वाला आ रहा है आपके सामने, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, उस बाइक वाले को रोकना है। तो बाइक वाला आ रहा है आपके सामने, आप खड़े हो इधर, तो आप उसके अपोजिट फोर्स लगाओगे तभी तो रोक पाओगे ना। अरे रोक पाओगे ना? अब जितने फोर्स से वो आ रहा है कम से कम उतना फोर्स लगाओगे तभी तो रोक पाओगे ना, तभी तो रोक पाओगे ना बच्चों। अब देखो बच्चों एक चीज बताओ, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे सपोज ये कैथोड है बच्चों, है ना, ये कैथोड है, इस कैथोड से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे बच्चों, याद करो। अब इधर देखो बच्चों, अगर मान लो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊं, ठीक है, और एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल तो इसको अपनी तरफ खींचेगा क्या? पॉजिटिव पोटेंशियल तो इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? और नेगेटिव पोटेंशियल इसको रिपेल रिपेल करेगा बच्चों, रिपल्शन करेगा। तो आप मुझे बताओ बच्चों,
मुझे कौन सा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मुझे कौन सा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना रोकने के लिए, नेगेटिव को रोकना है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना। लेवांस भार्गव, बोलो बच्चों, अगर मुझे रोकना है, मुझे उसको रोकना है तो मैं क्या करूं, मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा ना, पॉजिटिव से तो अट्रैक्ट करेगा ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया, पॉजिटिव से करेगा, अरे नेगेटिव से वो धक्का देगा और धक्का देकर उसको रोक देगा ना। तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, रिवर्स पोटेंशियल विच कैन स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? कितना आपने उसको रिवर्स पोटेंशियल दिया कि उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को उसने रोक दिया। बच्चों समझ पा रहे हो क्या आप? अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या नवाबों? तो अब बच्चों आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, पढ़ा है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, 9th-10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है? तो बताओ बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि वर्क क्या आ गया, ये आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब आप उस इलेक्ट्रॉन को रोक दोगे तो इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन रुक गया तो इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी ना। बोलो बच्चों समझ में आया? लेवांस भार्गव समझ में आई ये बात? लेवांस भार्गव ये बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो अब देखो बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड तो देखो बच्चों क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आई आपकी, ये क्यू वी नोट आया। आया बच्चों क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अरे ये जो वर्क है ये तो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वर्क एक तरह की एनर्जी होती है, क्या आप इस बात को समझते हैं? कुछ समझ में आया आप लोगों को बच्चों? कुछ समझ में आया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? अरे नवाबो कुछ समझ में आया है क्या? एक बार इसको पढ़ना, कल अपन इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ओके।